तो कुछ फॉर्मूलाज प्लीज़ आप नोट करें जिसके अंदर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन स्पीड एम्पलीट्यूड एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। पहला फॉर्मूला वेव वेलोसिटी पता ही है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और एनर्जी एच सी बाई लैम्डा होती है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी नोटेड है और ये वैक्यूम के अंदर है स्पीड, और मीडियम के अंदर स्पीड क्या होती है, वन बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन का अंडर रूट। अब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के अंदर यहाँ पर x पक्का आएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, c का फॉर्मूला e नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, k का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा या ओमेगा बाय c, एक ही बात है। या यहाँ से नोट करना शुरू करें, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी जो आज हमने प्रूव की थी वो इसके इक्वल, आप चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें, एक ही बात है, ये ई नोट की फॉर्म में है, ये आर एम एस की फॉर्म में है, क्लियर है। तो पहले ये फॉर्मूला नोट करें, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख लें क्योंकि आप सारे फॉर्मूले आपको एक जैसे दिखेंगे इसमें। तो हमने क्या निकाला है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी डेंसिटी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैग्नेटिक फील्ड ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला 1 बाई फोर म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, 1 बाई टू म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो ये दो आपके पास एवरेज एनर्जी डेंसिटीज की वैल्यू आएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया एनर्जी डेंसिटी में, ये मैग्नेटिक फील्ड ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया एनर्जी डेंसिटी में। ये दोनों फॉर्मूला नोट करें, चाहे ये यूज़ करें चाहे ये करें चाहे ये करें चाहे ये करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ये करें, मैग्नेटिक ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ये करें, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं। ठीक है, दूसरा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अब किसकी बात हो रही है, ईएम वेव की। ईएम वेव में दोनों एनर्जी डेंसिटीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक भी, तो दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो फॉर्मूला क्या नोट करना है, फॉर्मूले में ये तो है ही है, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, और ई आर एम एस की फॉर्म में, बी आर एम एस की फॉर्म में ये टर्म आएगी। तो आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव की, ये इंपॉर्टेंट लिखना है, ईएम वेव की क्या करना है आपने, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन के अंदर ये ई आर एम एस की फॉर्म में है, अगर ई आर एम एस को पुट किया जाए ई नॉट बाई रूट टू तो ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर बी नॉट बाई रूट टू तो ये आंसर बनेगा। तो मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव की, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें और चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें, चारों में आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। वो डिपेंड करेगा आपको न्यूमेरिकल ई आर एम एस पे गिवन है, बी आर एम एस में गिवन है या किस में गिवन है। वैसे मेरे हिसाब से कोई एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर ये भी याद हो गया तो ई नॉट के फॉर्म में तो निकाल ही लोगे, और अगर ई नॉट निकाल लिया तो सी क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट तो निकाल ही लोगे, और सी इज इक्वल टू वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन। और वैसे भी यार याद करना आसान है कि हाफ का हाफ लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट को वन बाई म्यू नॉट कर दिया, ई नॉट स्क्वायर को बी नॉट स्क्वायर कर दिया, वो आपकी मर्जी है, ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। प्रूफ वगैरह आते नहीं है बट वो इसलिए बताए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं, असली में ये चार पांच फॉर्मूलाज ही हैं बस। तो इसके बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा बहुत आता है पेपर में।
क्या क्वेश्चन है? ई एम वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ k1। तो ये वैक्यूम की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी मीडियम में ई एम वेव की ये स्पीड है, वी गिवन है, ये सी नहीं है, ये वी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर 1 है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर निकालना है। तो पहली चीज, v का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू का मतलब मीडियम का, एप्सिलॉन का मतलब मीडियम का। और हमें ये पता है कि अगर इसको म्यू आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो म्यू आर क्या होगा? म्यू आर होगा म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट। तो म्यू मीडियम क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो चेक करो, म्यू मीडियम की जगह म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन मीडियम की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक हो गया। इसमें से इन टर्म्स को अलग अलग लिख लो, इसका मतलब क्या है? सी, तो सी अपॉन ये टर्म आ गई। तो आप चाहो तो फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो, वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये लो, ऐसा नोट कर सकते हो, ठीक। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? म्यू आर तो क्वेश्चन में 1 गिवन ही है, वी पता है, सी पता है, एप्सिलॉन आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, परमिटिविटी और परमिबिलिटी में कैसे कन्वर्जन होने वाली है इसमें। ये लो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी। तो क्या क्वेश्चन है? अ प्लेन ई एम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। मेंशन कर रहा है साफ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव प्रोपगेशन है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, किस एक्सिस के अलॉन्ग है? जी एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। मैग्नीट्यूड कितना है? 6.3। वॉट इज बी वैक्टर एट दैट पॉइंट? बी वैक्टर का मतलब वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। देखो वैल्यू निकालते हैं, पहले वैल्यू निकालनी आसान है। ई की वैल्यू क्या है? 6.3। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सी क्या होता है? ई अपॉन बी। तो बी क्या होता है? ई अपॉन सी। ई पता है, सी पता है, बी का मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी इसके लिए फॉर्मूला बुकलेट में एक और चीज नोट करो, वेव प्रोपगेशन जो होती है, वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होती है? ई क्रॉस बी। ये नोट कर ले प्लीज, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ई क्रॉस बी। जहां ई क्रॉस बी जाएगा वहां वेव की प्रोपगेशन जाएगी। जैसे अगर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैप क्या गिवन है? जे कैप। वेव प्रोपगेशन किसके अलोंग गिवन है? आई कैप। तो बोलो जे में क्या क्रॉस करें कि आंसर आई आ जाए, है ना? ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो क्या? के। तो आंसर क्या आएगा? के कैप। तो आंसर पीछे क्या लगेगा इसके? के कैप। तो मैग्नीट्यूड के पीछे क्या लगेगा? ये देखो के कैप। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे? तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेना है और पीछे कैप लगा देना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट 8th,
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। साफ पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैर में वाई है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। साफ पता लग रहा है कि ये बी नॉट है, साइन ऑफ। यहाँ पर इसका कोफिशेंट एक्स है, एक्स का मतलब वेव प्रोपेगेशन किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है। तो वेव प्रोपेगेशन एक्स के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है। तो मैं बिना देखे बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, ये वाई है या एक्स है, तो जेड ही होगा। थर्ड एक्स इज जेड ही बचा, तो आंसर के कैप में आने वाला है, पक्की बात है। चलो फिर भी, तो ये बी वाई है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? अब मुझे पता है कि अगर मैं इसे अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, मेरी इक्वेशन है बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। ऐसे सीखी हमने इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे तो ये टर्म क्या जाएगी? बी नॉट। एक्स का कोफिशियंट क्या जाएगा? के। और ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी? ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन के अंदर बी नॉट पता लग गया, और इस क्वेश्चन में ये ओमे के आ गया। के क्या होता है? 2π/λ। तो वहां से लैमडा आ जाएगा। जब आपके पास के एक्स में के आ गया, तो के का मतलब 2π/λ, वहां से लैमडा आ गया। ऐसे यहां से कंपेयर करके क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π × फ्रीक्वेंसी। तो वहां से क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है यहां तक? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? तो आपने कुछ नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये के एक्स है, तो के की वैल्यू आ चुकी है 0.5 × 10³, और के होता क्या है? 2π/λ। तो यहां से लैमडा आ गया। उसी तरीके से ये क्या है? ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा इज 2π × फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक, नेक्स्ट है इसमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनानी है, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में? एक बात तो पक्की है, जैसे बी बनेगा वैसे ई बनेगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ, ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस ही होगी। अंदर का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, चाहे बी का चाहे ई का, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगी? यहाँ पर ई नॉट होगा। अब ये क्या चीज़ है? बी नॉट। बी नॉट पता है, तो आप यहाँ से सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट से क्या निकालोगे? ई नॉट। ई नॉट को यहाँ पुट कर दोगे, अंदर की चीज़ सेम है, उसके पैर में क्या लगाओगे? जेड एक्सेस। क्योंकि जो प्रोपगेशन क्या बचा, एक ही तो एक्सेस बचा, एक्स में वेव प्रोपगेशन है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस क्वेश्चन को देखें, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते, देखे ही नहीं है सच बताऊं तो, थ्योरी ज्यादा देखी है। और प्रॉब्लम यह है कि ये एनसीईआरटी की खुद की प्रॉब्लम है। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ, यूनिट्स चेक कर रहे हो, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी होती क्या थी? इंटेंसिटी थी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी बाय टाइम क्या होती है? पावर। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी इसका फॉर्मूला है, पावर बाय एरिया। ठीक है, तो साफ पता लग रहा है पावर क्या होती है? वॉट्स में, और एरिया सेंटीमीटर। तो ये क्या के बने? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसी सरफेस पे नॉर्मली गिर रही है ईएम वेव, एंगल पे नहीं, नॉर्मली गिर रही है, जिसकी इंटेंसिटी गिवन है। सरफेस का एरिया गिवन है जिसके ऊपर गिर रही है। एवरेज फोर्स निकालनी है 30 मिनट के टाइम में क्या लगी,
तो हमें क्या गिवन है, इंटेंसिटी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, हमें पता है कितने एरिया में गिर रही है, टाइम पता है, तो एनर्जी कितनी गिर रही है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनर्जी फ्लक्स सॉरी इंटेंसिटी को अगर टाइम और एरिया से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगी, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया को टाइम और एरिया से मल्टीप्लाई करके एनर्जी, तो इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी गिर रही है। अब इतनी एनर्जी गिर रही है तो मोमेंटम कितना लगा रही है, यू बाई सी, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ गई, एक आंसर आ गया। और ये फोर्स की वैल्यू तब है जब सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है, पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये गिवन नहीं है फिर भी ये लिख रहे हैं कि अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता, एनर्जी आई और वापस चली गई, तो फोर्स क्या होती, क्योंकि मोमेंटम डबल हो जाता तो फोर्स भी डबल हो जाती, आंसर टू से मल्टीप्लाई करना है अगर ये पूछा होता तो। ठीक, नेक्स्ट 10th, देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। देखो जब भी ऐसी बातें करेगा ना, 100 वॉट बल्ब 3 मीटर तक उसकी रोशनी जा रही है या वेव जा रही है, बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है, 3 मीटर दूर इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, हर तरफ जाएगी। आप अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे आपको स्फेयर दिखेगा, तो स्फेयर जिसका रेडियस क्या होगा, 3 मीटर का स्फेयर है, तो कितने एरिया में बल्ब की लाइट जा रही है, 4π3² तो देखो एरिया कवर्ड 4π3². अब पावर आपको पता है बल्ब की, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे, पावर को एरिया से डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाती है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है, ये जो बल्ब है बहुत एफिशिएंट बल्ब नहीं है, 100 वॉट की रोशनी लिखी तो हुई है पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2.5%। तो जब इंटेंसिटी की कैलकुलेशन होगी वहाँ पावर 100 वॉट नहीं होगी, वहाँ 2.5% ऑफ 100 वॉट बाय एरिया, तो ये इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी आ गई। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी प्रोड्यूस करेगा ये बल्ब, तो ई और बी की वैल्यू बतानी है, ई आर एम एस बी आर एम एस बता दो आंसर क्या होगा। अब ई एम वेव ने, ये जो लाइट है वो एक ई एम वेव है, उसके पास कुल मिला के टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी एनर्जी है, इस एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्लूडेड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसमें अगर मैं ये पूछूं कि इस एनर्जी में से एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, टू से। तो अगर आप अपना फॉर्मूला रजिस्टर चेक करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये फॉर्मूला है, ठीक है,
ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी में, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ई आर एम एस, एक आंसर आ गया ठीक। और ऐसे ही आधी एनर्जी इसमें से किसकी होगी, मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इसकी जगह क्या, वन बाय म्यू नॉट इन टू बी आर एम एस का स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बी आर एम एस। तो समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, ये जो एनर्जी आई है टोटल इंटेंसिटी आई है, टोटल एनर्जी आई है, इस टोटल में से हमने आधा आधा कर देना है, आधा इलेक्ट्रिक को देना है आधा मैग्नेटिक को देना है, और फिर आधे आधे के हिसाब से आंसर आ जाएगा ठीक। वैसे ऐसा भी कर सकते थे, अगर आधा आधा नहीं करना, ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी टोटल है, हमने ईएम वेव की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी किया था, क्या था, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इनटू सी, इसको सीधा इक्वेट करके ई आर एम एस निकाल दो, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ई आर एम एस, ई आर एम एस आ गया, तो सी इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई बी आर एम एस, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बी आर एम, ये ज्यादा आसान नहीं है, आधा आधा की बजाय ये ठीक है, टोटल को इक्वेट करो, ई आर एम एस निकाल लो वहां से बी आर एम एस आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ठीक, टोटल वाला ज्यादा बेटर है, आधा आधा करके क्यों दो फॉर्मूले का कंफ्यूजन करना है, एक ही टोटल लगाओ आंसर ठीक। इसने तो खैर ई आर एम एस के साथ ई नॉट भी निकाला है, बी आर एम एस के साथ बी नॉट, चारों वैल्यूज निकाल दी इसने। इलेवेंथ, देखो क्वेश्चन है, इन अ प्लेन ईएम वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का मतलब ई नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है, वेव प्रोपगेशन जेड के लॉन्ग गिवन है, व्हाट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला हमने नोट किया था। फिर वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, यार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का एनर्जी तो सेम ही होता है, तो जो इलेक्ट्रिक का वही मैग्नेटिक का। फिर थर्ड पार्ट में टोटल फील्ड का, टोटल में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई का एम्पलीट्यूड पता है ई नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि कौन से कब अप्लाई करने हैं आंसर आएगा ठीक है यहां तक।